नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। आज बात करेंगे महाविद्यालय चुनाव की। चुनाव को लेकर छात्र संघ में और छात्रों में बहुत उत्साह है। पूरा शहर पोस्टरों से अट गया है। छात्र संघ नेता और जो चुनाव लड़ने की मंशा पाले हुए हैं युवा नेता, वे टोलियां बनाकर प्रचार में लगे हुए हैं। कोई तिरंगा रैली निकाल रहा है तो कोई अपने नेताओं को खुश करके किसी तरह टिकट लेने की जुगाड़ में लगा हुआ है। अगर हम बात करें कि जिस तरह से दावेदारी की जा रही है, जब डेजर्ट स्टॉर्म ने इस बारे में तहकीकात की तो पता चला कि जो ज़्यादातर छात्र नेता जो दावेदारी कर रहे हैं और ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और चुनाव के टिकट के लिए अपने सारे हथकंडे अपना रहे हैं, उन लोगों के कईयों के तो कॉलेज में नाम ही नहीं है और एडमिशन ही नहीं है। हालांकि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं चुनाव के दौरान। 18 अगस्त को मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी और फाइनल मतदाता सूची 20 अगस्त को जारी की जाएगी। नामांकन 22 अगस्त को दाखिल किए जाएंगे और उस पर आपत्ति भी 22 अगस्त को ही ली जाएगी। 23 अगस्त को फॉर्म वापसी की तिथि रखी गई और अंतिम प्रकाशन भी उसी दिन कर दिया जाएगा सूची का, और 26 अगस्त को मतदान किया जाएगा और 26 अगस्त को ही मतदान के बाद में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। मगर हम बात करें एबीपी की तरफ से, देरावर सिंह, भूपत सिंह, जसवंत सिंह, नेपाल सिंह, दशरथ सिंह फूलिया, सुमेर सिंह चौहान, जब हमने आज चुनाव अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि इनमें देरावर सिंह, भूपत सिंह, जसवंत सिंह और नेपाल सिंह, इनका तो अब तक एडमिशन ही नहीं हुआ है। इस कारण से वे चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इसमें अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि 2 दिन बाकी है और 2 दिन में अगर एडमिशन नहीं हो पाता है, जो अब तक सरकार ने एडमिशन की स्वीकृति नहीं दी है, अगर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में देरावर सिंह, भूपत सिंह, जसवंत सिंह और नेपाल सिंह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दशरथ सिंह फूलिया और सुमेर सिंह चौहान की ये स्थिति है कि सरकार ने निर्णय किया है कि इनको जो एक्स स्टूडेंट थे उनको प्रमोट किया जाएगा, तो ये 2 छात्र है एबीपी की तरफ से जो प्रमोट होकर इनका मतदाता सूची में नाम आने की संभावना है। दूसरी तरफ बात करें NSUI की, तो बताया जा रहा है कि कई छात्रों के मतदाता सूची में नाम ही नहीं है। उनमें NSUI के तो मानाराम भील, ललित पायलिया, दिलीप सिंह खाबा, भरत सिंह चलक, ये जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, अपनी दावेदारी कर रहे हैं। मानाराम भील ने तो आज जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित मीटिंग में जाकर करीब 40-50 लोगों को ले जाकर अपनी दावेदारी भी पेश की और जब उसे प्रतिउत्तर सही नहीं मिला तो उन्होंने वहाँ नाराज़गी भी की और नाराज़गी भी जताई और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की। हमारी दोनों ही संयोजकों से बात हुई, भौम सिंह NSUI के अध्यक्ष है, तो उनका कहना था कि अभी हमने टिकट फाइनल नहीं की है क्योंकि मतदाता सूची आने के बाद में कौन मैदान में रहेगा, कौन किसका मतदाता सूची में नाम रहेगा, उसी आधार पर तय किया जाएगा। ये स्थिति एबीपी की है। एबीपी भी उसी तरह से अपनी फूंक फूंक के कदम रख रही है कि किस तरह से घोषणा की जाए। हमेशा ये रहता है कि कांग्रेस NSUI हमेशा ही एबीपी के टिकट घोषणा की इंतजार करती है, उसके टिकट घोषणा होने के बाद में NSUI टिकट घोषित करती है ताकि जो नाराज़गी एबीपी के प्रति हो उन लोगों का फायदा लिया जा सके और उन लोगों की सिंपैथी लेकर इस तरह के कैंडिडेट को टिकट दी जाए जो चुनाव जीत सके। इस तरह से चुनाव छात्र संघ के चुनाव जैसलमेर और पोखरण में बहुत ही चरम पर है प्रचार उनका। छात्र लगे हुए हैं किसी तरह से दावेदारी करने में, कैसे भी टिकट मिले हमें, और इसको लेकर वे अपना की पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि हम इस बार कैसे भी टिकट प्राप्त करें। छात्र संघ चुनाव के लिए अब तक के लिए इतना ही। फिर एक चर्चा करेंगे छात्र संघ चुनाव पर। धन्यवाद। हैं